नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली के दिल दहला देने वाले साक्षी मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच साक्षी का नया और तीसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज मर्डर से ठीक 2 मिनट पहले का है। वीडियो में साक्षी गली में भागते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो रात 8:43 का है। इसी के 2 मिनट के बाद साक्षी का मर्डर हो जाता है। गली के मोड़ पर इंतजार कर रहा साहिल बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। आप गली में लगे हुए सीसीटीवी की ये तस्वीर देखिए। इस गली में आपको दिखाई देगा साक्षी भागते हुए नजर आ रही है। तेज कदमों से वो चलती हुई नजर आ रही है। एक सफेद रंग की टी शर्ट साक्षी ने पहने हुए है। रात 8:42 का ये वीडियो आप देखिए। तेज कदमों से पहले वो भागी और फिर तेज कदमों से वो चलने लगी। ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक ये सीसीटीवी फुटेज आप देखें, पहले साक्षी तेज कदमों से चल रही है, अगली वीडियो में आप देखेंगे वो तेज कदमों से पहले चलती है फिर दौड़ती हुई नजर आती है और इसके ठीक 2 मिनट के बाद 8:45 पर साहिल बहुत ही बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर देता है। पहले चाकू से वार करता है, इतने पर भी जब उसका दिल नहीं भरता तो पत्थर से उस पर वार करता है और फिर उस पर लात बरसाता है। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है। साक्षी मर्डर केस में साहिल से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आज सुबह ही पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। जिस जगह साक्षी का मर्डर हुआ और जहां वो मौत से ठीक 2 मिनट पहले नजर आई, वहां से इंडिया टीवी संवाददाता श्रुतिका की रिपोर्ट देखिए। साक्षी मर्डर केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके अंदर साक्षी वॉक करती हुई नजर आ रही है। वो ठीक पहले उस मोमेंट का है जब उसको मारा साहिल ने, उससे पहले का है। ये वो रोड है जहां से साक्षी आ रही थी। इस रोड से तेज कदमों के साथ चलती हुई साक्षी यहां पर आ रही थी। चूंकि यहां पे जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं उनके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड हुआ वाक्य, जिस तरीके से साक्षी तेज कदमों से चलती हुई आती है, ये जो जाली के अंदर आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं इसके अंदर वो रिकॉर्ड हुई साक्षी चलती हुई। व्हाइट कलर की टी शर्ट उसने पहनी हुई है और जीन्स पहनी हुई है और वो चलती हुई आ रही है और उसके बाद में वो मुड़ती है उस रूट की तरफ जो सीधा उस स्पॉट पर लेकर जाता है जहां पर साहिल ने उसे बेरहमी से मार दिया। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने पड़ता है ये उस सीसीटीवी फुटेज के। यहां से वो आती है और थोड़ी दौड़ती हुई नजर आती है। इस पूरे स्पॉट पर साक्षी की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, वो तेज तेज चलती है और उस तरफ जाने लगती है। ये जो रोड जा रही है, ये जो गली जा रही है, ये वहीं पर जाकर मिलती है जहां पर साहिल उसका इंतजार कर रहा था। साक्षी तेज कदमों से चल रही थी, क्या इससे ये माना जाए कि कहीं उसको भी अंदेशा था कि साहिल ऐसा कुछ कर सकता है? लेकिन अनजान थी साक्षी, तभी वो वहां पर पहुंच गई, वरना वो बाहर निकलती ही नहीं। उसको नीतू के बेटे के जन्मदिन में जाना था, बर्थडे पार्टी में जाना था, कपड़े उसने खरीदे थे, लेकिन वो यहाँ पर आती है। ये पूरी रोड है, अगर हम फिर से देखें तो इस रास्ते से वो आती है। सामने ही सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं जिसके अंदर ये पूरा वाक्य रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें साक्षी इसी रूट को लेते हुए वहां से थोड़ी दौड़ती दौड़ती हुई आती है और उसके बाद में वो यहाँ पहुंचती है। जब वो यहाँ पहुंची है उसके बाद में साहिल ने उसे मारना शुरू किया है। ये वो पर्टिकुलर स्पॉट है जहां अभी भी क्रॉस का निशान लगा हुआ है। ये वो स्पॉट है जहां पर साहिल उसको चाकू मारना शुरू कर देता है। चाकू लगातार वो मारता रहता है, 16 से ज्यादा बार वो उस पर वार करता है और उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पर जो काम चल रहा है यहीं पर उसको पत्थर मिल जाते हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए साहिल पत्थर लेता है और उसके बाद यहाँ पर उसे कुचलना शुरू कर देता है, उसे लात भी मारता है। साहिल का इतने से भी मन नहीं भरता, वो इतनी बेरहमी करने के बाद भी पहले जाता है और उसके बाद फिर लौट कर आता है और उसके बाद फिर यहाँ पर उसे पत्थर से मारना शुरू कर देता है। ये सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि आराम से साक्षी वहां से निकली थी, उसके बाद तेज कदमों से वो चलती हुई आ रही थी। साहिल यहाँ इंतजार कर रहा था क्योंकि साहिल का भी एक वीडियो सामने आया है। उस सीसीटीवी फुटेज में वो अपने दोस्त से बात कर रहा है और वो इंतजार करता नजर आ रहा है। वो पहले से प्लानिंग कर रहा था, ये अचानक से उसे गुस्सा नहीं आया था। उसने पहले ही वीकली मार्केट से चाकू खरीद लिया था जिससे वो लगातार वार करता रहा साक्षी के ऊपर। ये अचानक नहीं था क्योंकि वो पूरी प्लानिंग से यहाँ पर पहुंचा था कि आज उसको साक्षी का काम खत्म करना है, उसको मार देना है और इसीलिए उसने
ठीक इसी स्पॉट पर आकर यहाँ साक्षी पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए, इतने ज्यादा कि उसके सर में भी चाकू धस गया और उसके बाद में जब उसने पीछे खींचा चाकू तो पूरा शरीर ही साथ के साथ उठ गया और उसके बाद उसने साक्षी का बेरहमी से यहाँ पर कत्ल कर दिया। ये सीसीटीवी गवाह है उस पूरे हमले के जो साहिल ने बेरहमी से साक्षी के ऊपर किए और साक्षी की जान ले ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।